हेलो एवरीबॉडी, आज हम सीखने वाले हैं HTML को और मैं फटाफट से आपको HTML सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है index.html नाम से, ध्यान रखना .html लगाना आप ना भूलें, और मैंने उसे यहाँ पे खोल लिया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML और ये देखो मैंने इस तरीके से एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग लगा लिया। यहाँ पे देखो दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, बस यहाँ पे एक स्लैश आ रहा है। HTML टैग के बीच में हमें दो टैग और लगाने हैं, एक होगा हेड टैग और एक होगा बॉडी टैग। आप देख रहे हो कि ये सब ऑटो कम्प्लीट हो रहा है, तो ये हो रहा है VS कोड की वजह से। जिस आईडी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसे इंस्टॉल करके आप भी यूज़ कर सकते हैं। हेड टैग के अंदर हमारे पास होता है एक टाइटल, और टाइटल के अंदर हमारे वेब पेज से कुछ भी टाइटल हो सकता है। लेट्स लर्न HTML क्विकली, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे डिस्प्ले होता है। बॉडी में लिखूंगा मैं हेलो वर्ल्ड, और मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं जो रिफ्रेश करूँगा वो लर्न लेट्स लर्न HTML कुछ भी यहाँ पे आ रहा है, और हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ आ रहा है। तो ये यार बेसिक बॉयलरप्लेट आप समझ सकते हो HTML की होती है, यानी ये लगभग हर HTML फाइल में आपको डालना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से लगभग ये सब में ही डालना पड़ता है। तो अब मैं कुछ टैग्स की बात करूँगा। मान लो आप एक ब्लॉग लिख रहे हो या कोई आपने कुछ ऐसी पैराग्राफ लिख, तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग लिख लो। तो मान लो मेरा पैराग्राफ, तो ये आपने उसकी हेडिंग दे दी। पैराग्राफ के लिए आप पी टैग यूज़ करते हो, जिसे हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। और इसमें मान लो आपने मेरा पैरा बहुत अच्छा है कैसा लगा, मान लो मैंने पैराग्राफ में लिख दिया देखो। और अगर आपको अभी थोड़ा कम लग रहा है तो आप लॉरम 98 लिखोगे किसी भी कोड एडिटर में आईडी में, तो आपको कुछ सैम्पल टेक्स्ट जनरेट होता है, कुछ और नहीं सैम्पल टेक्स्ट है। और ये देखो यार अब कितना अच्छा लग रहा है, सॉरी। और मान लो हमने यहाँ H1 लिखा, मतलब 1 का क्या मतलब है, H का तो हेडिंग है, 1 का क्या मतलब है। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक होती है। 1 सबसे बड़ी और 6 सबसे छोटी, मैं दिखा रही हूँ मेरी छोटी सी हेडिंग। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो जो टेक्स्ट है इससे भी ज़्यादा छोटी हेडिंग होगी। अगर आप चाहे टेक्स्ट के बराबर की हेडिंग आपको चाहिए मान लो इन एनी केस, तो आप H4 को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट के बराबर साइज। बस ये बोल्ड होता है क्योंकि ये हेडिंग, और मैं ज़रा इसका थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। अब मान लो मैं H2 लिखूँ, जो कि आप काफ़ी यूज़ करेंगे H1 के साथ साथ, और फिर मैं P लिखूँ, फिर मैं lorem998 लिखूँ जो कि बहुत ज़्यादा होता है, और मैं सेव किया यार ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो हेडिंग। अब हम बात, मान लो मेरे को क्या चाहिए कि जो ये दोनों है H1 और P, इसके बीच में एक लाइन आ जाए, बट मैं चाहता हूँ कि एक और लाइन है, तो मैं एक टैग का यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं BR, यानी कि लाइन ब्रेक टैग। मैंने BR दबाया, देखो यार एक एक्स्ट्रा हमारी जो स्पेस है वो ऐड हो गई। दोबारा दिखाऊँगा, मान लो मैं एक और BR लगाऊंगा तो और स्पेस ऐड हो गई, देखा इस तरीके से स्पेस भी ऐड होती है। अच्छा, मैं एक एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि है लाइव सर्वर, VS कोड में आपको मिल जाएगा, उससे क्या होता है ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो सकता है। हमने आपको थोड़ा सा बताया H1 P टैग, पर अभी तो बहुत सारे टैग रह गए, तो यार वो कैसे करेंगे। मान लो आपको इमेज ऐड करनी है, मान लो मैं यहाँ पे आपको पूरी HTML के सारे टैग सिखाने नहीं आया हूँ 10-15 मिनट के अंदर, मैं आपको HTML सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे सीख पाओगे। मान लो तो आप लिख सकते हो हाउ टू एड इमेज इन HTML। यार देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को गूगल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं जल्द से जल्द और बढ़िया से बढ़िया। गूगल की हेल्प आप बहुत बड़े प्रोग्राम बनेंगे तब भी लेंगे, नहीं होंगे तब भी लेंगे। गूगल की हेल्प हर कोई लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यार देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है एग्जाम्पल, तो मैं इस वाले को कॉपी कर लूँगा, मैंने इसे कॉपी किया। अब ये इमेज जो आ रही है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैंने इसे यहाँ कॉपी किया और उसके में मैंने देखा था एक इमेज आ रही थी, मैं जब कॉपी करूँगा मैं यहाँ दिखूँगा
तो मेरे को इमेज नहीं दिखेगी, बस इसे लोड होने देते हैं और ये देखो मेरे को इमेज नहीं दिख रही, आपको कहीं दिख रही है? नहीं, हमें इस तरीके का मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, ये इटालियन ट्रूथ कहाँ से दिखा रहा है? ये जो हमने ऑल्ट दिया यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये यहाँ रहा है कि मतलब इमेज ना दिख पाए निकेस तो ये कर दो। इमेज क्यों नहीं दिख पा रही? क्योंकि ये एक रिलेटिव पाथ है जो कि बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ इमेज है ये वाली तो वो दे दो, बट अगर आप देखोगे जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसमें ऐसी नाम की कोई इमेज है ही नहीं, उसमें इस नाम की कोई इमेज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे कोडिंग इमेज, मैं कोडिंग इमेज लिखता हूँ एंड फटाफट से इस वाली इमेज का एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। काफ़ी बड़ा है लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो इतने बड़े बड़े एड्रेस तो आप नहीं दिखने वाले हैं मुझे पता है, बट इट्स ओके यार, मैं चलो दूसरी ले लूँ, इसे कॉपी करता हूँ। मैंने सिर्फ यार ये सारी बढ़ाया है, चलो इसे ऐसे रहने देते हैं। हमारी इमेज आ रही है, हमने देख लिया, तो इस तरीके से यार इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लो आपको जो भी ऐड करना है, मान लो आपको एक फॉर्म बनाना है, लेट्स से आपको एक फॉर्म बनाना है, तो यार अच्छा इधर ही देखें यार, यहाँ पे हमें सारा कुछ मिल रहा है। और ये ना टेबल्स कैसे बननी है, मान लो हम चलो टेबल देखते हैं, तो यार टेबल जो है इस तरीके से बननी है, बट आप इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले टेबल्स को, थोड़ा बहुत यूज़ होगा। बॉर्डर साइज कैसे दे रहा है टेबल्स के अंदर, लिस्ट कैसे बननी है, आप चाहे तो एक बड़ा ट्यूटोरियल देख सकते हैं किसी का HTML मतलब, आप इन सब का हेल्प दे सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई हैं, तो ये बताया कि आपको HTML सीखना कैसे है। तो आई थिंक यार ये ट्यूटोरियल जिसके लिए मैंने बनाया था आपको HTML सिखाने के लिए, तो मैंने बता दिया कि आपको HTML कैसे सीखना है। मेरा काम यहाँ पूरा होता है, बारी है आपके काम की, जल्दी से जाओ यार करो HTML की प्रैक्टिस। ये समझ आ रहा है कि आपको इससे समझ आ रहा है, आप इससे सीख सकते हो। अगर आपको कोई बड़ा ट्यूटोरियल देखना है आप यार वो भी देख सकते हो, मैंने आपको बात बता दिया, आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं बोल रहा हूँ गुड बाय गाइस।